क्या समझ आ रहा है इस नेम से, एम्प्टी सेट से? हाँ हाँ, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं होगी, तो आपका ये चीज है, दिस इज एन एम्प्टी सेट. ठीक है, अनदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट जो हम कहते हैं, दैट इज जिससे डिनोट करते हो आप इसको, फाइव. या तो सिंपली आप ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा लोगे, या फिर फाइव से आप लिख सकते हो. दिस मीन्स कि देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट. अगर ये आपका इस तरीके से लिखा आ जाता है, देन इज इट एन एम्प्टी सेट? नो. ठीक है, दिस वोंट बी एन एम्प्टी सेट. इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा होगा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये एम्प्टी सेट है. दिया, दिस इज योर केमिस्ट्री पीरियड गोइंग ऑन. बच्चे एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है आपका, दैट इज योर एम्प्टी सेट, या फिर हम इसको नल सेट भी कहते हैं या वॉइड सेट भी कहते हैं. तीन नेम्स हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट. क्लियर? तो तीनों में से कोई भी नेम आ जाए तो इसका मतलब यही है कि देयर इज नो एलिमेंट इन द गिवन सेट. अब इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप मुझे? एनी एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में बता दो. हाँ जी, इवन प्राइम नंबर इज देयर. अर्जोबन, योर केमिस्ट्री पीरियड गोइंग ऑन बेटा. हाँ जी, कुछ भी सोचो, एग्जाम्पल दे दो कोई भी. कृषान, बच्चे दिस इज नॉट योर मैथ्स पीरियड, दिस इज केमिस्ट्री पीरियड गोइंग ऑन. ज्वाइन विद राखी मैम, बोलो. चलो, मैंने लिया x सच दैट. अब यहाँ पे वो कंडीशन दो जो मतलब सेटिस्फाई ना हो. x की कोई भी ऐसी वैल्यू बताओ जो सेटिस्फाई ना हो. x belongs to, हाँ जी, 1 is smaller than x, is it correct? x natural number को belong कर रहे और x lie कर रहे 1 से 2 के बीच में. 1 से 2 के बीच में कोई natural number है तो क्या answer आएगा इसका? empty set. इसी तरीके के और examples हो, दो और examples दो. मेघा, समृद्धि, कैन यू गिव द एग्जांपल्स? एक्स बिलोंग्स टू, हाँ, एंड एक्स लेस देन जीरो. ओके, और लेस देन वन तो है. अगेन ऐसा कोई नंबर ले लो ना जो ये कंसेक्यूटिव हो, क्योंकि इनके बीच में कोई भी वो आपका नंबर लाई नहीं करेगा. जैसे सपोज मैंने ले लिया x इज लेस देन 100 एंड x इज ग्रेटर देन 99, तो इसके बीच में आपका कोई इंटेग्रल वैल्यू नहीं लाई करेगी. ठीक है, तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल जो कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, दैट विल गिव यू एन एम्प्टी सेट. उसके बाद फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट्स मैंने उस दिन भी डिस्कस किए थे. फाइनाइट मींस काउंटेबल, तो एंड अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज अ फाइनाइट सेट. जस्ट मैंने ले लिया, लेट अस सपोज 1 2 3, तो ये आपका जो सेट है इसके 3 एलिमेंट्स हैं, दैट कैन बी काउंटेड, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट हो जाएगा जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते. And so on. ये dash 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 means this will go up to infinity. अब क्योंकि ये infinity तक जा रहा है, तो its जो elements हैं that are non-countable, that cannot be counted. So this is an infinite set. हाँ जी, हाँ लिख सकते हो, no problem. तब भी infinity की value नहीं ना मुझे पता यहाँ पे क्या है.
मान लो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 अप टू 100 लिख दिया, यहाँ पे मुझे पता है कि 100 है तो 100 एलिमेंट्स हो गए क्योंकि 1, 1 के गैप पे हम ले रहे हैं। बट अगर यहाँ इन्फिनिटी लिखा, मुझे वैल्यू ही नहीं पता क्या है, तो अगेन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। लिख दोगे तब भी, नहीं लिखोगे तब भी वो इनफाइनाइट रहेगा। तो सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। अगर एम्प्टी सेट है देन भी वो फाइनाइट सेट की कैटेगरी में ही आएगा। एंड इनफाइनाइट कौन सा है? सेट विच इज द एलिमेंट्स ऑफ विच कैन नॉट बी काउंटेड इज एन इनफाइनाइट सेट। अब 1 mark questions हैं ये आपके जैसे। State which of the following sets are finite or infinite? X such that x belongs to n, x natural number है and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। हाँ जी, इज इट एन एम्प्टी सेट, इज इट अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट? फाइनाइट। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके? x इज इक्वल टू 1 and 2 है, तो 1 and 2 आर द एलिमेंट्स, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है आपका x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और x स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी आपकी? +2 एंड -2, बट -2 क्योंकि नेचुरल नंबर को नहीं बिलोंग कर रहा, सो दिस इज रिजेक्टेड। एक एलिमेंट रह गया, एक एलिमेंट है तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट अगेन x बिलोंग्स टू n एंड 2x-1 इज इक्वल टू 0। x नेचुरल नंबर है और 2x-1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। 2x-1 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1/2, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट क्या है? दैट इज अ finite set। Next, x is prime and x belongs to n। x prime है और x natural numbers को belong कर रहा है। चलिए, prime numbers कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 आर दे countable? So on है तो this is an infinite set। चलिए इसके बाद है equal sets पे आएंगे हम। उससे पहले number of elements का एक चीज और देखो कि मान लो मुझे एक set given है A, A, B, C। इसके एलिमेंट्स मान लो ये गिवन है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट? 3। तो जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट लिखना है तो दैट इज रिटन इन दिस वे। एन ऑफ ए का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कितने आएंगे ये? 3। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं अब इक्वल सेट्स पे। इक्वल सेट्स में हमें दो चीजें देखनी है। एक तो दो सेट्स हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल इफ फर्स्ट कंडीशन कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, सेकंड कंडीशन कि जो उनकी वैल्यूज हैं वो भी सेम होंगे। ठीक है, सेट बी अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो सी बी ए, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जिस ऑर्डर में हम इनको लिखते हैं वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, जिस ऑर्डर में ये लिखा जाता है, ये सीक्वेंस इनका राइटिंग का वो मैटर नहीं करता, वैल्यूज सेम होनी चाहिए। सी यहाँ है, यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ है, ए यहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और उनकी वैल्यूज भी इक्वल हैं, तो बोथ आर इक्वल सेट्स। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सेकेंड कंडीशन की वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स is same। आ गया समझ? इक्वल सेट्स क्लियर है? तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट, इनके लिए हम क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू बी। इट मींस सेट ए जो है वो किसके इक्वल है? सेट बी के।
अगर सेट जो है इक्वल नहीं है तो दे आर सेट टू बी अनइक्वल, अनइक्वल का बीच में साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें लेके चल रहे हैं, अब क्वेश्चंस हैं, अब एक्सरसाइज 1.2 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। बुक है सबके पास? कहाँ है बुक? बिना बुक के कैसे होगा बताओ मुझे। अब ये आंसर्स तो आपने ही देने हैं, अगर टर्म्स क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर हैं तो यू आर टू आंसर द क्वेश्चंस नाउ। अब ध्यान से सुनो और बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू, इज इट एन एम्प्टी सेट और नॉट? नल सेट है या नहीं है? नल सेट है, वाई? हाँ, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर जो है वो आपका टू से डिविजिबल नहीं है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इज इट अ नल सेट? इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? टू, इट्स डिविजिबल बाय टू, तो डिविजिबिलिटी नहीं है इसमें, सिर्फ उन्होंने ये पूछा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स आपका ये आ गया, सो लेट ए रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो उसमें एक एलिमेंट है आपका, तो दिस इज नॉट अ नल सेट। नेक्स्ट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पे बीच में एंड है, ये ध्यान रखना। क्या आएगा? हाँ जी, नहीं है, क्यों? x less than 5 and x greater than 7 simultaneously both the conditions should be true। x less than 5 में कौन से numbers आएंगे आपके? 1, 2, 3, 4। x greater than 7 में 8, 9, 10 and की condition है, satisfy हो रही है, both the conditions are true, so this will be a null set। next, y is a point common to any two parallel lines। y is a point common to any two parallel lines। parallel lines में common point हो सकते हैं, so what will be this? null set। second question, which of the following sets are finite or infinite? set of months of a year, finite। then second है हमारे पास 1, 2, 3 and so on up to infinity, so this is infinite। next, 1, 2, 3, --99, 100, finite। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इनफाइनाइट। ग्रेटर देन 100 जो है वो आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, फाइनाइट, दैट इज काउंटेबल, तो दैट इज फाइनाइट। उसके बाद स्टेट विच स्टेट ईच वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विल इट बी फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, क्योंकि आप हर पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो आपका नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स ये आपकी एक्सिस जो है इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है, तो आप हर पॉइंट पे जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इनके बीच में भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हो, तो दीज विल बी इनफाइनाइट। नेक्स्ट, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट, 26 लेटर्स हैं। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, दे आर इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, विल इट बी फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट, वाई? स्पीशीज जो हैं दैट आर काउंटेबल, ओके। देन द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आप ओरिजिन से पास कर रहे हैं सर्कल, रेडियस कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे वन सर्कल हो गया, ऐसे ये आपका सेकेंड सर्कल हो गया, थर्ड सर्कल हो गया, रेडियस चेंज होता जाएगा तो नंबर ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। सेट ए मुझे गिवन है ए बी सी डी,
सेट बी गिवन है मुझे डी सी बी ए, आर दीज इक्वल सेट्स? यस, वाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज वैल्यूज आर इक्वल. सेकेंड, 4, 8, 12, 16. एंड बी गिवन है 8, 4, 16, 18. आर दीज इक्वल? नो. वाई? क्योंकि यहाँ पे 12 है, इधर 12 नहीं है, यहाँ 18 है, इधर 18 नहीं है, वैल्यूज आर नॉट सेम. सेट ए गिवन है 2, 4, 6, 8, 10. एंड सेट बी, सेट बी में वो कह रहा है कि एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 10. एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर and x is less than equal to 10. क्या आएंगे यहाँ पे even integers less than equal to 10? Positive में 2, 4, 6, 8, 10. Zero लेना है कि नहीं लेना? Zero is to be included or not? जब आप z plus लेते हो तो जीरो साथ में लेते हो कि नहीं लेते? जेड प्लस में जीरो इज इंक्लूडेड और नॉट? क्यों? तो जीरो को फिर नेगेटिव के साथ ले लेते हैं, दोनों में नहीं लेते, या दोनों में ले सकते हैं? दोनों में ले सकते हैं. तो फिर यहां अगर लोगे तो वो इक्वल होंगे? फिर हाँ जी, क्यों नहीं पड़ेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही डिफरेंट हो जाएंगे. वैसे हमने बताना क्या है इसमें? सेट आर इक्वल, यही बता रहे हैं ना. सोचो जीरो लेना है कि नहीं लेना. यस मेघा, जीरो इज टू बी इंक्लूडेड और नॉट? बोर्ड विजिबल नहीं है और दोनों में से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे. जीरो इज टू बी इंक्लूडेड और नॉट यहाँ पे? नो. समृद्धि? नो मैम. नो. वाई? वाई नो मैम? जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव्स में नहीं है. पॉजिटिव्स में जीरो नॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव्स में नहीं आता. नॉन नेगेटिव में आप उसको इंक्लूड करते हो, जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं देन दैट इज नॉट इंक्लूड. ठीक है, ये माइनर माइनर से डिफरेंसेस हैं, इनको आपने ध्यान रखना है. तो यहाँ पे बोथ ऑफ दीज सेट्स विल बी इक्वल. नेक्स्ट. हाँ जी, एनी डाउट? नेक्स्ट है हमारे पास एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और दूसरी तरफ हमें गिवन है सेट. मल्टीपल ऑफ 10 में क्या आ जाएगा? 10, 20, 30 एंड सो ऑन. और सेट बी हमें गिवन है 10, 15, 20, 25. सो अनइक्वल. नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजंस. अब रीजंस भी उसके आपने देने हैं कि इक्वल हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं. कहाँ पे पॉजिटिव इवन था ना? यहाँ अगर ऑड आएगा तब भी नहीं ना. चलिए, फर्स्ट हमें गिवन है ए 2, 3. और बी गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इक्वल टू जीरो. तो इट मीन्स पहले चेक करने से आपको इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 का सॉल्यूशन? -2 and -3. तो सेट बी आ गया हमारे पास -2 and -3. सेट ए है हमारे पास
टू एंड थ्री. तो आर दिस इक्वल, वाई एलिमेंट्स आर नॉट सेम. सेकेंड पार्ट ए है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो. ए सच दैट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो. और सेट बी गिवन है, लेटर इन द वर्ड वुल्फ. वाई क्योंकि हम लेटर्स की रेपिटेशन नहीं करते हैं. तो जब हम यहाँ पे भी सेट ए लिखेंगे तो उसके जो आपके लेटर्स आएंगे दैट विल बी एफ ओ एल एंड डब्ल्यू, सेम डब्ल्यू ओ एल एफ. तो बोथ ऑफ दीज विल बी सेट, सेट्स विल बी इक्वल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स. अब हमें यहाँ पे काफ़ी सारे सेट्स गिवन है, हमने इक्वल सेट्स जो हैं वो सिलेक्ट करनी है. सेट ए जो है मुझे गिवन है 2, 4, 8, 12. B गिवन है 1, 2, 3, 4. C इज 4, 8, 12, 14. D है 3, 1, 4, 2. E इज -1, 1. F इज 0, 8. G 1, -1. H 0 and 1. चलिए बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल. B एंड D बिल्कुल ठीक है, सेट B इज इक्वल टू D. और E एंड G, और कोई? सो दीज पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल. ठीक है, सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 1.2. इसके बाद अब हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं वेन डायग्राम. सिलेबस चेक कर लिया जो मैंने सेंड किया था, किया है मैंने सेंड आप लोगों को कि नहीं? देखा है? तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी विल गो. और जो चैप्टर्स हमारे हो गए हैं बट जो नहीं आने हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट टर्म के लिए मतलब याद रखना, ये नहीं कि भूल जाओगे. सिक्स चैप्टर्स अभी हमने और करने हैं, सिक्स नहीं आना ना, टर्म वन में नहीं है, फिफ्थ आना है. तो उसके हिसाब से हमारा एक ही चैप्टर हुआ है अभी, तो वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड आल्सो. अब वेन डायग्राम जो है देखो उसमें क्या होता है, कल से ना बच्चे चॉक्स रख लेना बड़े. इसमें हम सेट्स को जो है थ्रू सर्कल्स या रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करते हैं. जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, यानी कि जिसमें से एलिमेंट्स लेके हम अलग डिफरेंट सेट्स बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन. तो जिसमें से हम एलिमेंट्स उठा रहे हैं दैट इज अ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट में मान लो सेट ए मैंने ले लिया, यूनिवर्सल सेट सपोज मैंने ले लिया कि नेचुरल नंबर्स का सेट है. ए जो है उसमें मैंने लिया कि नंबर्स, इवन नंबर्स लेस देन 100. अब इवन नंबर्स लेस देन 100 जब मैं लूंगी तो दैट विल बी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 98 तक आ जाएंगे. तो ये मेरा सेट है ए. अब क्योंकि ए जो है वो नेचुरल नंबर्स से बना है, उसमें हम इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 ले रहे हैं, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है मेरा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को. तो इट मीन्स ये जो मैंने नंबर्स उठाए हैं वो इस रेक्टेंगल में से उठाए. और जब इस रेक्टेंगल में से ये नंबर्स एज इट इज मैं यहाँ ले लेती हूँ, ये मेरा सेट ए बन गया. यानी कि सेट ए जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल. ठीक है, सेट ए जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल. इट मींस कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो इस रेक्टेंगल में जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें से कुछ एलिमेंट्स उठा के बनाए गए. यानी कि आप ऐसे सोच सकते हो कि
एक खुला जंगल है, खुले जंगल में से जो ये 2, 4, 6, 8 अप टू 98 है सब लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी लाइंस थे सारे उठा के हमने यहाँ बंद कर दिए, ठीक है। तो सेट ए में ये हमारे जो है एलिमेंट्स आ गए। सेट बी सपोज मैंने लिया 1, 3, 5 लेस देन 100 अगेन ले लिया, तो ये 99 तक चला जाएगा। अगेन ये भी इवन नंबर्स में से ही नंबर्स मैंने उठाए हैं, तो सेट बी मेरा यहाँ आ जाएगा। इन केस ये जो है रिप्रेजेंटेशन है जो इस तरीके से हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। वेन जो था मैथमेटिशियन, उसने ये दिया था, तो उसके नेम पे ही इसका जो है नेम दे दिया गया। अब इसमें क्या होता है कि समटाइम्स ऐसे सेट होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हो जाएंगे। फिलहाल जो मैंने ये इस तरीके से दिखाई हैं, तो इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये दोनों जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है कि नंबर्स जो है वो कॉमन हो जाते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे सभी प्राइम नंबर्स ले लिए, अब अप टू लास्ट 97 ले लिया मैंने, लेस देन 100 ले लिए, तो अब इसमें क्या होगा कि जो ये 2 है ये दोनों में कॉमन है। जब उनमें कुछ कॉमन आ गया तो जो आपके सर्कल्स बनेंगे उसमें कॉमन एलिमेंट को भी शो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 दोनों में है, तो 2 यहाँ आएगा, यहाँ बाकी एलिमेंट्स 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 98 हो गए, यहाँ पे 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन अप टू 97। तो जो दोनों में कॉमन था वो ये पार्ट आ गया, क्लियर। सर्कल्स ओवरलैप करवा दिए, सर्कल्स का कुछ पार्ट ओवरलैप करवा दिया, तो ये जो है वो इनका कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाले जो है कॉमन नहीं है। जब इनमें कॉमन नहीं है, ठीक है, यानी कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जब कॉमन है तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इनमें कुछ कॉमन है तो अब यहाँ से जो है नेक्स्ट हम लेके चलते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट। पहले ये कंसेप्ट समझ लो है क्या। यूनियन में क्या होता है आपका कि दो सेट्स हैं आपको मान लो गिवन ए और बी, और आपको उनका यूनियन निकालना है। सेट ए मान लो मैंने ले लिया ए बी सी डी, सेट बी ले लिया मैंने बी सी ई, जब हम यूनियन की बात कर रहे हैं मीन्स हमने सबको इकट्ठा कर दिया, ठीक है, इकट्ठा किया तो यू सिंबल आ जाएगा फॉर यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स कॉमन हैं उनको एक बार लिखते हैं, उसके अलावा जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स रह जाते हैं वो सारे लेके चलते हैं। यानी कि ए पहले तो कॉमन वाले देख लो कौन कौन से हैं, बी एंड सी, तो इनको एक बार लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट्स हमने उठाने हैं। ए ले लिया, उसके बाद बी सी कॉमन को मैंने एक एक बार लिख दिया, अब रह क्या गया डी एंड ई, तो डी और ई को भी आपने लिख दिया। यूनियन में कॉमन एलिमेंट्स लिखने के बाद जो एलिमेंट्स बच जाते हैं दोनों सेट्स के वो भी आप लिखते हो। सेम वे में हम इंटरसेक्शन लेके चलते हैं। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, लाइंस भी जैसे आपने देखा होगा जब इंटरसेक्ट करती है कॉमन पॉइंट आप लेके चलते हो। सेम वे में जब आप सेट्स की इंटरसेक्शन लेके चलोगे तो इसको एक तो डिनोट आप इस सिंबल से करते हो, उल्टा यू हो गया ये आपका, और इसमें सिर्फ जो आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने लेके चलने हैं। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स बताइए क्या आएंगे, बी एंड सी। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन जो है दोनों में वो लेना है। यूनियन में सभी को कंबाइन कर दिया, और जो एलिमेंट्स आपके कॉमन हैं क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं तो सेट्स में रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होती, उनको सिंगल सिंगल टाइम लिख देना है, बाकी सभी एलिमेंट्स भी साथ में लिखने हैं, क्लियर है। अब जब इनका आप लेके चलोगे वेन डायग्राम, उसके बाद हम फिर प्रॉपर्टीज करेंगे, पहले वेन डायग्राम देख लो। अभी जो मैंने करवाया था जिसमें हमारा 2 कॉमन आ रहा था प्राइम नंबर्स और इवन नंबर्स का, तो ये पार्ट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, सिर्फ कॉमन वाला एलिमेंट, बाकी नहीं लेने हैं आपने। जब यूनियन की बात हो रही है, यूनियन के केस में क्या है, कॉमन वाला भी है और जो साइड्स में है नंबर्स वो भी हैं, तो
तो जब हमने यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो कॉमन पार्ट भी है और बाकी भी है, तो इट मींस ये वाला भी आप शेड करोगे, ये वाला भी पोर्शन शेड करोगे और ये वाला पोर्शन भी शेड करोगे, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दोनों सर्कल्स आपके फुल शेडेड हो गए, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी थ्रू द वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेके चलते हो तो जो कॉमन वाला पार्ट है आपने सिर्फ वो शेडेड करना है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है ये। देन नेक्स्ट हमने लेके चलनी है, उसके बाद ऑपरेशंस सेट पे वही जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन लेके चलते थे सेम वे में हम कर सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन दैट वी विल डिस्कस टुमारो। इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है वो डिलीटेड टॉपिक है, बट क्योंकि वो कई क्वेश्चंस में आगे यूज हो रहा है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, मुश्किल नहीं है उसमें, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तो दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, we will do it, start its questions tomorrow. Thank you, have a nice day.